कोरोना से जंग लड़ने में पूरा देश इस समय एकजुट है। सारे लोग एक साथ आकर ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इस महामारी से बचा जा सके, इसे हराया जा सके। लेकिन इस सब के बीच अगर कुछ खबरें ऐसी निकलती हैं कि कुछ लोग जानबूझकर चाहते हैं कि एक महामारी का जो चक्र है वो टूटे ना, या फिर अपने उपचार करने आए डॉक्टरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो ये हम सब पर, पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के जिला अस्पताल में। यही वो जगह है जहां पर जो जमात, तबलीगी जमात के लोग लाए गए थे उपचार के लिए, चेकअप के लिए लाए गए थे यहां पर। जब यहां पर लाए गए तो उन्होंने ऐसा काम किया कि सारे के सारे लोग शर्मसार हैं। जो नर्सेज यहां पर थीं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ अश्लीलता बरती गई। एक बाकायदा कंप्लेन दर्ज की गई और पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ये सारी चीजें उसके अनुसार सही हैं, क्योंकि उस समय जितने भी लोग मौजूद थे सबने एक ही बयान दिया है। हद और हया की सारी सीमाएं टूट गई, या यूं कहें कि इसकी धज्जियां उड़ा दी गईं। गाजियाबाद में जमातियों ने पूरे माहौल में मानो जहर घोल दिया। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो नर्सेस को मामले की लिखित शिकायत करनी पड़ी। ये वही पत्र है जिसमें जहालियत की सारी हदों को पार करने वाली करतूतों का जिक्र है। इन करतूतों के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान परेशान हो जाएंगे। गाजियाबाद के जिला MMG अस्पताल में भर्ती कोरोना के संदिग्ध जो बर्ताव कर रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है। आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के संदिग्ध मरीज नंगे घूम रहे हैं, वार्ड में गंदे और अश्लील गाने सुन रहे हैं, मेडिकल स्टाफ से बदतमीजी कर रहे हैं, खाना और दवाई नहीं ले रहे, डॉक्टरों की बातें नहीं सुन रहे हैं। जब मरीजों को दूर रहने को कहा जाता है तो साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। अस्पताल में निजामुद्दीन और अलग अलग मरकज से लाए गए 6 मरीज इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं, जिसकी शिकायत नर्सों ने अस्पताल प्रशासन से की। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस से शिकायत की, सभी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यूपी में जमातियों की बदतमीजी का सरकार ने सख्त संज्ञान लिया है। खबर है और पुख्ता खबर है कि यूपी सरकार ऐसे जाहिलों से निपटने के लिए NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की तैयारी में है। यानी इसके बाद अगर किसी ने ऐसी जरूरत की तो हॉस्पिटल नहीं सीधे हवालात जाएगा। जिस तरह का मामला सामने आया है वो वाकई सबको हैरान करता है। वो इसीलिए क्योंकि जो आपका उपचार करने की कोशिश कर रहे हैं आप उनके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जो मामला सामने आया सर, उसमें क्या कर रहे हैं आप? ये कल एक तहरीर प्राप्त हुई थी जो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट है MMG हॉस्पिटल के, और ये रात्रि में ये तहरीर प्राप्त होने पर तत्काल वहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी, मैं भी और ADM साहब भी गए थे। प्रथम दृष्टया वो देखने पर सत्य पाने पर तुरंत अभियोग पंजीकृत किया, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो हमारी एक महिला पुलिस उपाधीक्षक हैं अंशु जैन, उनके नेतृत्व में पूरी टीम जांच कर रही है, गहन विवेचना की जा रही है सुसंगत धाराओं में, जो भी उसमें सत्ता निकल करके आएगी उसमें कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। समझाने बुझाने की भी जो बात की गई है वो समझा रहे हैं? बिल्कुल समझा रहे हैं, उतर रहे हैं। और हमारे यहाँ जितने धर्मगुरु हैं उनसे हम लोगों की मीटिंग भी हुई, बहुत लगभग सभी ने निंदा की, ऐसी बातों की निंदा की। और आज नमाज का दिन है और उन्होंने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने घरों में ही नमाज अदा की, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। तबलीगी जमात के जो लोग थे उन्हें यहाँ से अब निकाल लिया गया है, लेकिन जब तक वो यहाँ पर थे नर्सों की शिकायत के अनुसार जो अश्लील व्यवहार उन्होंने किया, जिस तरीके से वो अर्धनंग अवस्था में पूरे में घूम रहे थे या फिर अश्लील इशारे कर रहे थे नर्सों को देखकर, बहुत ज़्यादा मन में उन सभी नर्सेज के डर आ गया। वो नर्स जो इनके उपचार के लिए, इनकी देखभाल के लिए यहाँ पर तैनात की गई थी। दरअसल ये पूरा किस्सा जब दिल्ली से शुरू हुआ तब पता चला कि देश के कोने कोने से वो तार जुड़े हुए थे, और तबलीगी जमात के जो लोग वहाँ से निकल चुके थे वो सामने ही नहीं आ रहे थे। यहां तक कि दिल्ली से निकालने में एक लंबा समय लग गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाजियाबाद से अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने बदतमीजियां की हैं, अश्लीलता की है, बल्कि देश के बाकी हिस्सों से भी तबलीगी जमात से जुड़ी ऐसी ही खबरें हमारे सामने आ रही हैं। जमात की बदमाश ब्रिगेड की ऐसी ही हरकतों की शिकायत कानपुर से आई है। कानपुर के कई अस्पतालों में जमात के 76 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है, लेकिन आरोप है कि जमात के कई लोग वहां बदतमीजी कर रहे हैं।
जगह जगह थूक रहे हैं, डॉक्टरों और नर्सों को परेशान कर रहे हैं। ये मरीजों ने 22 लोगों ने इनके ऊपर थूका भी, गंदगी भी की, इनकी बात नहीं मानी और खाना भी, खाने को क्रिटिसाइज किया, हर चीज़ में ये ना करते रहे और ये एक जगह इकट्ठा हो गए, ये हॉल में आ गए इबादत करने के लिए, अलग अलग आइसोलेशन नहीं इन्होंने प्रिजर्व किया, डॉक्टर्स को बहुत बुरा भला कहा। ये मामला गंभीर है और ऐसे मामलों पर अंकुश लगाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरे देश में जो स्वास्थ्यकर्मी लगे हुए हैं लगातार इलाज में और कोशिशों में कि कोरोना से सबका बचाव हो, उनका मनोबल भी ऊंचा रहे, उनकी हिफाजत की भी पर भी ध्यान दिया जाए। जब हमने जनता कर्फ्यू इम्प्लीमेंट किया था तब हमने बड़े स्पेसिफिकली एक रिक्वेस्ट की थी और जिसको पूरे देश ने स्वीकारा था, वह यह थी कि जो आज हमारे लिए सेवा कर रहा है, हर तरह के इन्फेक्शन के खतरे को उठाकर काम कर रहा है, हर सिचुएशन में हमारे लिए खड़ा है, जब चारों तरफ भय का माहौल फैल सकता है, वह डॉक्टर और वह हेल्थ कर्मी, उनको हमें अपनी जिसे कहते हैं कि कृतज्ञता दिखानी है और जिसके तहत हमने उन लोगों को अपना धन्यवाद भी दिया था। अगर उसके अगेंस्ट, उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट देश में कहीं पर भी कोई एक्शन होता है, कहीं पर भी कोई किसी भी जो हेल्थ कर्मी उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो यह बहुत ही सोचनीय विषय है। हमें सबसे रिक्वेस्ट करनी है कि कोई भी ऐसा कार्य न करें, हमें अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स की हेल्प चाहिए, वो हमारे लिए फ्रंट में रहकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें उनके सपोर्ट से ही आगे बढ़ना है। गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में शुरुआती जांच के बाद रखा गया है आइसोलेशन में, जो तबलीगी जमात के लोग हैं उन सबको यहीं पर लाकर रखा गया है ताकि वो आइसोलेटेड रहें, जांच रिपोर्ट जैसे एक एक करके और सामने आएगी उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। लेकिन इनका जो रवैया पहले दिन से रहा है उसे लेकर पूरा देश सकते में है। जिस तरीके से पहले वो बाहर आना नहीं चाहते थे, आने के बाद उनका रवैया पुलिस वालों और बाकी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ रहा, फिर किस तरीके से वो दूर दूर रहे ताकि किसी की पकड़ में ना आ पाए, और अब जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से और खासकर यहां पर गाजियाबाद से नर्सेज के साथ अश्लीलता की बात सामने आई है, कोरोना की जंग इस तरीके से नहीं लड़ी जा सकती है, ये पूरे देश में सबको समझना होगा।